तो मार्वल और डीसी कॉमिक्स के पास सुपर हीरोज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सुपर हीरोज 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट कैटेगरी है वीक सुपर हीरोज की या अंडर पावर सुपर हीरोज की। तो इस कैटेगरी के सुपर हीरो एक तो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं या एलियन, लेकिन इन सुपर हीरोज की एक लिमिट होती है, और अगर ये सुपर हीरोज अपनी ट्रू लिमिटेशन को क्रॉस कर दे तो ये मेंटली, फिजिकली और इमोशनली काफ़ी वीक हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी के 90% सुपर हीरो डिफेंडर होते हैं, जिनका काम होता है ह्यूमैनिटी और सिटी को प्रोटेक्ट करना। और इसी कैटेगरी के सुपर हीरो इतने कैपेबल होते हैं कि ये अपने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बींग को डिफीट कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं ऐसे सुपर हीरो जो ओवरपावर्ड होते हैं, मतलब ऐसे सुपर हीरो जिनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे सुपर हीरो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम बात करने वाले मार्वल और डीसी कॉमिक्स के ऐसे सुपर हीरोज की जो पॉपुलर होने के साथ बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ सुपर हीरोज पर बेस्ड होंगी, लेकिन रैंडम सीरीज में, क्योंकि ये टॉप 10 वीडियो नहीं है। सेंट्री मार्वल कॉमिक के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, और सेंट्री के पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। सेंट्री के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, सेंसेस, हीलिंग फैक्टर, मॉलिकुलर मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ओमनीपोटेंस, इमोर्टिलिटी, टेलीपोर्टेशन और भी बहुत कुछ। मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल सेंट्री एक गॉड तो नहीं है, लेकिन सेंट्री के पास है गॉड लाइक पावर। सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को शांत किया था, और सेंट्री मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है। और जिस तरह एमसीयू में टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन का मेंटोर है, वैसे सेंट्री कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का मेंटोर है। हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क टॉप 5 मोस्ट पावरफुल एवेंजर में से एक है। ये बात अलग है कि राइट्स की वजह से मार्वल एमसीयू में हल्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बता सकते, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक हल्क वन मैन आर्मी था। हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टेमिना। हल्क इतना ड्यूरेबल है कि मिलिट्री का कोई भी वेपन हल्क के सामने फेल है, लेकिन अगर किसी वजह से हल्क के बॉडी को डैमेज हो जाए तो हल्क के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जो हल्क के बॉडी को 5 सेकंड के अंदर हील कर लेता है। लेकिन अब काफ़ी सुपर फैंस के मन में ये क्वेश्चन आता है कि थैनोस ने तो हल्क को आराम से डिफीट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि थैनोस मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, लेकिन हल्क से स्मैश करना जानता है, और हल्क थैनोस के फाइटिंग स्पीड को डॉज नहीं कर पा रहा था, इसलिए हल्क डिफीट हुआ। डॉक्टर फेट। जैसे मार्वल के पास डॉक्टर स्ट्रेंज है, वैसे डीसी के पास है डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट डीसी कॉमिक्स के मोस्ट ओवरपावर्ड मैजिकल कैरेक्टर में से एक है। डॉक्टर फेट अपने बेस फॉर्म में पावरफुल होने के साथ इमोर्टल है, जिसका मतलब जब तक डॉक्टर फेट ना चाहे, डॉक्टर फेट नहीं मरने वाला। डॉक्टर फेट के पास हेलमेट ऑफ फेट, एमुलेट ऑफ एनिबस और क्लोक ऑफ डेस्टिनी जैसे एक्सटर्नल पावर्स भी है। स्कारलेट विच फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्कारलेट विच को अपनी पावर्स माइंडस्टोन की वजह से मिली, लेकिन जो चीज़ स्कारलेट विच को ओवरपावर्ड बनाती है वो है रियलिटी मैनिपुलेशन। लेकिन वंडा को अपने पावर्स पर फुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन टाइम के साथ वंडा की पावर्स काफ़ी इंक्रीज हुई है, और इन्फिनिटी वॉर में तो वंडा ने इन्फिनिटी स्टोन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सुपरमैन। हम सबको पता है कि सुपरमैन मैन ऑफ स्टील होने के साथ लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन है, और क्रिप्टॉन स्पीशीज और कई साल येलो सन के कॉन्टेक्ट में रहने से सुपरमैन नॉर्मल क्रिप्टोनियन से ज़्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, सुपरविजन, एक्सरे विजन, फ्लाइट, हीट विजन और भी बहुत कुछ। सुपरमैन को अर्थ के किसी भी वेपन से डिफीट नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि बैटमैन ने लगभग सुपरमैन को मार ही दिया था, लेकिन अगर बैटमैन के पास क्रिप्टोनाइट ना होता तो शायद वो बैटमैन की जिंदगी की लास्ट फाइट होती। डॉक्टर मैनहट्टन डीसी कॉमिक्स से बिलोंग करता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। फिर भी डॉक्टर मैनहट्टन डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। डॉक्टर मैनहट्टन वो सब कर सकता है जो गॉड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर मैनहट्टन को वॉचमैन यूनिवर्स में भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स के पावरफुल बीइंग में से एक है। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर मैजिक है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सोल के साथ दूसरे ह्यूमन बीइंग के सोल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, स्किल मार्शल आर्टिस्ट और ट्रेन फिजिशियन है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन जैसे एक्सटर्नल पावर्स और इन्फिनाइट नॉलेजेबल बुक्स भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं है, और यही एबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज को मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक बनाती है। थॉर पहले से ही काफ़ी पावरफुल था, लेकिन रैग्नारोक के बाद थॉर की पावर कुछ अलग ही लेवल पर है, और अब तो थॉर के पास स्टोन ब्रेकर है, जिसकी मदद से थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, डायमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, फ्लाइट और वेदर मैनिपुलेशन, और थॉर ने पिछले 1500 सालों में काफ़ी पावरफुल बींग को डिफीट किया है, इसलिए थॉर के पास बाकी सुपर हीरोज से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये पावर्स और इवेंट्स थॉर को ओवरपावर्ड करती है। तो ये थे ऐसे सुपर हीरोज जो मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है,
लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।